हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में गोरा होने के लिए एक घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ। दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए त्वचा की रंगत एक जैसी नहीं होती, लेकिन हमसे ज़्यादा लोग गोरा होने की चाह रखते हैं। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो गोरा होना नहीं चाहता। गोरी त्वचा के लिए लोग तरह तरह के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं और एक रात में ही गोरा बन जाना चाहते हैं। बाजार में बिकने वाली गोरापन दिलाने वाली अधिकांश गोरे होने की क्रीम भी रात भर में ही त्वचा को गोरा बना देने का दावा करती हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हर कोई जानता है। उससे हमारी स्किन गोरी तो होती नहीं है, काली और पड़ जाती है। तो अगर आप एक ऐसा नुस्खा जानना चाहते हैं जिससे कि हमारी स्किन पर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और हमारी स्किन गोरी भी हो जाए और सुंदर भी हो जाए, तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आपकी स्किन बिना साइड इफेक्ट के गोरी और सुंदर बनेगी। तो दोस्तों, जानते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले लेंगे टमाटर का रस। मेरे पास टमाटर है, मैं इसको चाकू की मदद से काट लूंगी। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी स्किन को गोरा और सुंदर बनाते हैं और हमारे चेहरे से कील, मुहासे, ब्लैक हेड्स, दाग धब्बों को हटाने में हमारी मदद करते हैं। हम इसे काटने के बाद इसका रस निकालेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने टमाटर का रस निकाल लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे एक चम्मच दही। दही में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे चेहरे को सुंदर और गोरा बनाते हैं, हमारी त्वचा के रंग में निखार लाने में हमारी मदद करते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच हनी। हनी हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज रखने में हमारी मदद करता है और हमारे चेहरे से कील, मुहासों को हटाने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, अब हम इन तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, ये तीनों अच्छे से मिलकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। उंगली की मदद से कुछ इस तरीके से आप इसे अपने चेहरे पर इस तरीके से लगा लीजिए। यदि आपकी त्वचा सांवली या काली है तो आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके घर और किचन में ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल आप प्राकृतिक रूप से त्वचा को गोरा बनाने के लिए कर सकती हैं। दोस्तों, ये नुस्खा हमारे स्किन को गोरा और सुंदर बनाने के लिए बहुत ही कारगर है। कुछ इस तरीके से लगाने के बाद आप इस नुस्खे को 20 से 25 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप ठंडे साफ पानी की मदद से अपने चेहरे को धो लीजिए। दोस्तों, इस नुस्खे का उपयोग आप हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर करें, आपको काफ़ी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। इसकी मदद से आपकी त्वचा का रंग गोरा होने लगेगा और आपको काफ़ी अच्छा फायदा दिखेगा। आपके चेहरे के कील, मुहासे, दाग धब्बे भी हट जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो मेरे वीडियो पर कमेंट करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब के बगल में आने वाला घंटे का बटन है उस पर भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए बाय।